नमस्कार, आज मैं डॉक्टर राखी कटियार आपके साथ पद परिचय पर बात करने जा रही हूँ। पद परिचय जानने से पूर्व हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर पद है क्या। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और जब हम कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तब वो शब्द पद कहलाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन और काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप अपरिवर्तित रखते हैं, नहीं बदलते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। संज्ञा पद का परिचय देने के लिए आवश्यक है संज्ञा के भेद जानना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके साथ में हमें उस संज्ञा पद का लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध बताना होता है। उदाहरण के तौर पर, धैर्य पत्र लिखता है, धैर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एकवचन, कर्ता कारक, लिखता है क्रिया का कर्ता। राम की उदारता विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर उदारता भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एकवचन और कर्ता कारक। सर्वनाम पद का परिचय देने के लिए सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। साथ ही साथ उस सर्वनाम पद का लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक और क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है। मैं सभा में शामिल था, यहाँ पर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एकवचन, कर्ता कारक, शामिल था क्रिया का कर्ता। वह क्या पढ़ रहा है, यहां पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग एकवचन, कर्म कारक, पढ़ रहा है क्रिया का कर्म। विशेषण पद का परिचय देने के लिए आवश्यक है विशेषण के भेद जानना, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, साथ ही उसका लिंग, वचन और कौन सी विशेष बात है, यानी कि कौन सा विशेष्य है, ये बताना जरूरी है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, यहाँ पर रंग बिरंगे गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और उसका विशेष्य है फूल। वे लोग दिल्ली जाएंगे, यहाँ पर वे सार्वनामिक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, विशेष लोग। हम ध्यान दें कि वे सार्वनामिक विशेषण इसलिए है क्योंकि संज्ञा से ठीक पहले जब सर्वनाम शब्द आता है और विशेषण के रूप में कार्य करता है तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्रिया के पद परिचय के लिए क्रिया का भेद अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया आदि लिखना होता है, साथ में उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, काल क्या है, कर्ता और कर्म का संकेत देना है। पशु नदी में नहा रहे हैं, यहाँ पर नहा रहे हैं अकर्मक क्रिया, बहुवचन, वर्तमान काल, पुल्लिंग, पशु कर्ता की क्रिया। इसी प्रकार उसने एक कविता सुनाई, सुनाई सकर्मक क्रिया, एकवचन, स्त्रीलिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य, कर्ता मैंने और कर्म कविता। अब बारी आती है अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण के भेद रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो उसके बारे में भी संकेत देना होता है। हम वहाँ गए पर कोई ना मिला, यहाँ पर वहाँ और न, इन दो का पद परिचय हम दे रहे हैं।
वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और मिला क्रिया की विशेषता। उसी प्रकार से न रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, मिला क्रिया की विशेषता, और आप अविकारी या अव्यय लिख सकते हैं। संबंध बोधक पद परिचय। संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले अव्यय संबंध बोधक कहलाते हैं। उसके घर के बाहर पीपल के वृक्ष लगे हैं के बाहर संबंध बोधक अव्यय घर से संबंध बता रहा है। वह भाई के साथ गई है संबंध बोधक अव्यय भाई से संबंध बता रहा है। यहाँ पर एक चीज पर ध्यान दें कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक कई बार एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें अंतर है। सीमा कमरे के अंदर खेल रही है, यहाँ पर के अंदर संबंध बोधक है क्योंकि कमरे से संबंध बताया जा रहा है, जबकि सीमा अंदर खेल रही है क्रिया विशेषण है क्योंकि क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है वो बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक पद परिचय। समुच्चय बोधक पद परिचय में उसका भेद समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो समान स्तर वाले अंशों को जोड़ते हैं, जोड़ने का कारण और तथा एवं विरोध दर्शक पर परंतु अपितु बल्कि लेकिन किंतु मगर विकल्प के रूप में या अथवा अन्यथा या नहीं तो, परिणाम दर्शक के रूप में अतः इसलिए और फलतः। इसी प्रकार व्यधिकरण समुच्चय बोधक ये योजक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं, इसमें हेतु बोधक क्योंकि इसलिए, संकेत बोधक यद्यपि तथापि जैसे यद्यपि समय नहीं तथापि आपका काम तो करना पड़ेगा, स्वरूप बोधक मानो यानी यहाँ तक, उद्देश्य बोधक ताकि जिससे कि। उदाहरण देखिए, बाजार जाओ और सामान लाओ, यहाँ पर और समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। यद्यपि व्यस्त हूँ तथापि आपका कार्य कर दूंगी, तो यद्यपि और तथापि अभी हमने चर्चा की थी व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। विस्मयादि बोधक पद परिचय में हम जान लें कि हृदय के उद्गार प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। शोक, आश्चर्य, प्रोत्साहन, तिरस्कार, हर्ष, ये सारे विभिन्न मनोभाव जो हैं इनको विस्मयादि बोधक प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आपको विस्मयादि बोधक लिखना होता है और जिस तरह के भाव को वो प्रकट कर रहे हैं वो लिखना होता है। अरे तुम जीत गए, विस्मयादि बोधक और हर्ष सूचक। वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है, विस्मयादि बोधक हर्ष सूचक। अब हम चर्चा करेंगे निपात की। जो शब्द किसी शब्द के बाद लगकर बल देने का कार्य करते हैं निपात कहलाते हैं। इन्हें हम लोग अवधारक भी कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सभी निपात हैं। वह चला ही गया, ही यहाँ पर निपात है। तुम भी तो काम करो, देखिए किस तरह से बल दिया जा रहा है, तो भी निपात है। कह देने मात्र से बात खत्म नहीं होगी, तो मात्र यहाँ पर निपात है। आइए एक नज़र डालते हैं और पद परिचय का थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। भी अभी हमने चर्चा की थी निपात है। नहीं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जानते क्रिया की विशेषता बता रहा है। कुटुंब जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एकवचन और संबंध कारक। इस तरह से हम वाक्य में दिए गए सभी पदों का परिचय दे सकते हैं।